सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस रूफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको एक विषय एक टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूं ताकि आपको ये बात समझ में आ जाए, और ये वीडियो हर एक मसीही भाई बहनों को देखना जरूरी है ताकि आपको कोई डाउट ना हो, आपको पूरी जानकारी मिले। और आज हम बात करेंगे सेंटा क्लॉज के बारे में। जी हाँ, कई लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि ये सेंटा क्लॉज आखिर है क्या, ये कहाँ से आया, उसका जन्म क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है, और ये सेंटा क्लॉज क्रिसमस में क्यों बनते हैं। आपने सभी लोगों ने देखा होगा कि सेंटा क्लॉज की एक ड्रेस आती है, लाल कपड़ा और एक टोपी पहन के, एक झोला पहन के, जिसमें काफी गिफ्ट रहते हैं, चॉकलेट रहते हैं। जब सेंटा क्लॉज बच्चों के बीच में जाते हैं तो बच्चे लोग काफी खुश हो जाते हैं और सेंटा क्लॉज उनको कुछ उपहार देते हैं, गिफ्ट देते हैं। आपने ये सारी बातें देखा होगा, लेकिन आखिर ये सेंटा क्लॉज कौन है और ये कहां से आया, उसकी शुरुआत कहां से आई। जब हम बाइबिल में देखते हैं तो बाइबिल में सेंटा क्लॉज के बारे में लिखा गया नहीं है, और ना ही हमें सेंटा क्लॉज के बारे में बाइबल हमें बताती है। लेकिन फिर भी मसीहत में या एक क्रिसमस के अवसर पर सेंटा क्लॉज रहता है। मैं पूरा डिटेल्स आपको बताने वाला हूं कि सेंटा क्लॉज कौन है और क्यों क्रिसमस के दिन उन्हें इतना आदर दिया जाता है, इतना सम्मान दिया जाता है, और सेंटा क्लॉज क्रिसमस के दिन ही क्यों आते हैं। अलग अलग घटनाएं बताते हैं कि सेंटा क्लॉज अभी भी है, सेंटा क्लॉज आसमान में उड़ रहा है, सेंटा क्लॉज रात में आता है, उपहार दे जाता है। बहुत सारी अलग अलग घटनाएं, अलग अलग कहानियां लोग बनाते हैं, लेकिन आज मैं आपको सच्चे सेंटा क्लॉज के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो के तक बने रहे, मैंने एक नोट्स तैयार किया है जिसको मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं ताकि आपको अच्छी रीति से समझ में आए। सफेद कपड़ों में बड़ी सी श्वेत दाढ़ी और बालों वाले, कंधे पर गिफ्ट से भरा बड़ा सा बैग लटकाए हुए, हाथों में क्रिसमस बेल लिए संता को तो आप जरूर जानते होंगे, पर आप इनसे मिले भी होंगे या टीवी अखबारों में उन्हें देखा भी होगा। बच्चों के प्यारे संता, जिसे क्रिसमस फादर भी कहा जाता है, हर क्रिसमस पर बच्चों को चॉकलेट देकर बच्चों की मुस्कुराहट का कारण बन जाते हैं। तभी तो हर क्रिसमस बच्चे अपने संता अंकल का बेसब्र से इंतजार करते हैं। माना जाता है कि संता का घर उत्तरी ध्रुव में है और वे उड़ने वाले रेनडियर्स की गाड़ी पर चलते हैं। संता का यह आधुनिक रूप 19वीं सदी में अस्तित्व में आया था, इससे पहले ये ऐसे नहीं थे। आज से 1500 साल पहले जन्मे संत निकोलस को असली संता और संता का जनक माना जाता है। कि संत निकोलस और यीशु मसीह के जन्म का सीधा संबंध नहीं है, फिर भी आज के समय में संता क्लॉज क्रिसमस का अहम हिस्सा है। संत निकोलस का जन्म 3री सदी में यीशु मसीह की मौत के 280 साल बाद मायरा में हुआ था। वे एक रईस परिवार से थे, उन्होंने बचपन में ही अपने माता पिता को खो दिया था। बन से ही उनकी प्रभु यीशु मसीह पर बहुत ज्यादा विश्वास था, होकर एक पास्टर बन गए, उसके बाद वो बिशप भी बन गए। उन्होंने जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट देना बहुत अच्छा लगता था, वे अक्सर जरूरतमंदों और बच्चों को गिफ्ट दिया करते थे। निकोलस अपने उपहार आधी रात को ही देते थे क्योंकि उन्हें उपहार देते हुए नजर आना बिल्कुल पसंद नहीं था, अपनी पहचान लोगों के सामने नहीं लाना चाहते थे, इसी कारण बच्चों को जल्दी सुलाया जाता था। आज भी कई जगहों में ऐसा होता है, अगर बच्चे जल्दी नहीं सोते हैं तो उनके संता क्लॉज उन्हें उपहार नहीं देने आते हैं। निकोलस की दरिया डाली की एक और घटना है कि उन्होंने एक गरीब की मदद की थी जिसके पास अपनी 3 बेटियों की शादी के लिए पैसे नहीं थे, और मजबूरन वह उन्हें मजदूरी और देह व्यापार के दलदल में भेज रहा था। संत निकोलस ने चुपके से उसकी 3 बेटियों की सूख रही जुराबों में सोने के सिक्कों की थैलियां रख दी थी और उन्हें लाचारी की जिंदगी से मुक्त दिलाई। इसी प्रकार फ्रांस में चिमनी पर जूते लटकाने की प्रथा है। सेंटा क्लॉज का आज जो प्रचलित नाम है वह निकोलस के डच नाम सिंटर क्लास से आया है, जो बाद में सेंटा क्लॉज बन गया। सन 1200 में फ्रांस में 6 दिसंबर को निकोलस दिवस के रूप में मनाया जाने लगा, क्योंकि इसी दिन संत निकोलस की मृत्यु हुई थी। आज के आधुनिक युग में सेंटा क्लॉज का अस्तित्व 1930 में आया। शंडब्लोम नामक एक कोका कोला की एड में संता के रूप में 35 वर्षों तक दिखाई दिए। का यह अवतार लोगों को काफी पसंद आया और आखिरकार उसे संता का नया रूप स्वीकार किया, जो आज तक लोगों के बीच में काफी मशहूर है। प्रकार धीरे धीरे क्रिसमस और संता का साथ गहरा चलता गया और संता पूरे विश्व में
प्रसिद्ध होने लगे। असली जो संता क्लॉस है वो संत निकोलस है, जिन्होंने अपने जीवन काल में मसीही पर विश्वास करते हुए उन्होंने बहुत अच्छे भले काम किए थे और उन्हें बच्चों से बहुत लगाव था, बच्चों को बहुत प्यार करते थे। इसलिए आज हम देखते हैं कि संता क्लॉस का जो रूप है वो बिल्कुल अलग हो गया। ये 1930 में कोका कोला कंपनी में जो एड देती थी वहाँ से आज ये प्रचलित हो गया है और आज हम संता क्लॉस को एक आदमी को उसका ड्रेस पहनाया जाता है और उसे हम क्या बोलते हैं, संता क्लॉस। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो संता क्लॉस है वो असली में कौन है। तो आप सभी को जय मसीह की, प्रेज लॉर्ड।